केजरीवाल को झटका परे झटका, प्रथमे बेल पाइले परे जेल गले, शुणी शेष न होगा जाए मिलबनी बेल। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं थमुनी चर्चा, कारण प्रथमे तंको बेल देते कोर्ट हेले केजरीवाल को जमीन देवा नहीं तल कोर्ट को राय विरोध में ईडी आवेदन को दिल्ली हाइकोर्ट ग्रहण कले। खाली ग्रहण करते नुहे बर मामलार शुणी शेष न होगा जाए बेल मिलबनी बोली कहले। ईडी आवेदन उपर शुणी न सर पर्यंत केजरीवाल को मुक्ति में रोक लगी, तेणु एवं बेल नुहे जेल ले रे केजरीवाल। दिल्ली कोर्ट को राय को हाइकोर्ट रे चैलेंज, जिते चेष्टा कले भी मिललानी बेल। बहुचर्चित तो दिल्ली मद दुर्नीति मामलें दिनकू दिन केजरीवाल अड़ुआ बढ़िवार लगी। केजरीवाल को जमीन मंजूर करते दिल्ली कोर्ट, किंतु तलकोर्टर राय को हाइकोर्ट में चैलेंज कर ईडी। दिल्ली मद दुर्नीति मामलें ईडी द्वारा गिरफ हो जेल में केजरीवाल को दिल्लीर रोज आवेन्यू कोर्ट जमीन प्रदान करते। केजरीवाल को 1,00,000 टंकार बेल बंड में जमीन मिलता, हेले हाइकोर्ट मामलें हस्तक्षेप करने जेल नामंजूर कर। यहसह दिल्ली हाइकोर्ट रे ईडी पक्षर कहुला कि तल कोर्ट रे मामलें पक्ष रखा पर्याप्त समय दि जा ना, लिखित जवाब रखा समय मिल ना, जहां आद ठीक नुहे। जमीन नामंजूर होगापर एवं केजरीवाल तिहार जेल अच्छा, तेज हाइकोर्ट रु केजरीवाल को आश्वस्ति मिलू कि ना ता नजर। मोट उपर दिल्ली मद दुर्नीति मामलें अर्थ तोषारपात अभोगे केजरीवाल को गत मार्च 21 तारीख में गिरफ्त कर ईडी। यह पूर्व गत साधारण निर्वाचन बेले सुप्रीम कोर्ट तांकु गोटे थर अंतरीण जमीन भी प्रदान करते। दिल्ली मद दुर्नीति कौन? उपराज्यपाल बिना अनुमति में मद माफिया बेआईन भाव लाइसेंस दे दिल्ली सरकार बड़ घोटाला करथिबा अभियोग होइथिला, जहाँ दिल्लीर तथा कथित अबकारी नीति दुर्नीति मामला बोली कहुचे। एही मामलें 26 फेब्रुआरी 2022 रु दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ हो जेल थे। अन्यपटे यहापे आप सांसद संजय सिंह गिरफ होती। मामलें लिंक थे अभोग तेलंगाना पूर्वतन मुख्यमंत्री केसीआर झील तथा बीआरएस नेत्री के कविता किदिन ते गिरफ होते। तेज मामला को नहीं पचरा उचरा अधिक तदंत ईडी हाजर होगा लगी मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी पक्षर समन जारी करा। थरे किंबा दुईथर नुहे नौ थर समन पठाइवा परे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्त कर केबे केबे नोटिस होई केजरीवाल को। 2023 नवंबर 2 तारीख में केजरीवाल को होता प्रथम समन, 2023 डिसेंबर 22 तारीख में केजरीवाल को होता द्वितीय समन, 2024 जनवरी 3 तारीख में केजरीवाल को होता तृतीय समन, ठीक से हीपरी 2024 जनवरी 18 तारीख में केजरीवाल को होता चतुर्थ समन, 2024 फेब्रुआरी 2 तारीख में केजरीवाल को पंचम समन, 2024 फेब्रुआरी 19 तारीख में केजरीवाल को होता षष्ठ समन, 2024 फेब्रुआरी 26 तारीख में केजरीवाल को होता सप्तम थरपाई समन, ठीक से हीपरी 2024 मार्च 4 तारीख में केजरीवाल को होता अष्टम थरपाई समन, 2024 मार्च 17 तारीख में केजरीवाल को नवम समन होता। परवर्त समय 21 तारीख में ईडी गिरफ्त कर दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस डिस्टा। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।